हेलो स्टूडेंट्स, सीबीएसई ने कोविड पेंडेमिक के चलते प्लस वन और प्लस टू दोनों क्लासेस के सिलेबस में कुछ कटौती की है। प्लस वन की अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट चैप्टर था सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें से जो नेचर ऑफ मैटर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स, ये अब डिलीट कर दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से डिस्कवरीज ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी निकाल दिए हैं। थॉमसन मॉडल और इसके लिमिटेशंस को भी रिमूव कर दिया गया है, और जो रदरफोर्ड मॉडल है ये भी डिलीट कर दिया गया है। जहां तक क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो उसमें ब्रीफ हिस्ट्री जो थी पीरियोडिक टेबल की वो यहाँ से निकाल दी गई है। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर में कोई चेंज नहीं की गई है। जहां तक स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की जाए तो उसमें जो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है, क्रिटिकल टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिकुलर स्पीड्स, जिसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड्स एक्सेट्रा आती थी, वो सारी की सारी रिमूव कर दी गई हैं। इसके अलावा लिक्विड स्टेट जो है वो ऑलमोस्ट सारी की सारी रिमूव कर दी गई है, डिलीट कर दी गई है, जिसमें वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन वगैरह आते थे। इनका सिर्फ आपको क्वालिटेटिव आइडिया ही पूछा गया है, कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन इसमें से अब नहीं करनी है। जहां तक केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात है उसमें हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज वाला टॉपिक भी रिमूव कर दिया गया है, और क्राइटेरियाज फॉर इक्विलिब्रियम ये टॉपिक भी डिलीट कर दिया गया है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में जो हार्डनेसेस ऑफ सॉल्ट्स थे उसका एलिमेंट्री आइडिया जो है वो हटा दिया गया है, वो डिलीट कर दिया गया है, उसको पढ़ने की अब जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स को फॉर दिस सेशन। हंडरसन इक्वेशन को भी यहाँ से एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिडॉक्स रिएक्शन में से एप्लीकेशन जो है वो रिमूव कर दी गई है, हालांकि आपको बैलेंसिंग ऑफ जो रिडॉक्स रिएक्शन वो सारा का सारा करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो एज इट इज है। जहां तक हाइड्रोजन चैप्टर की बात करें उसमें से प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ नाइट्रोजन एक्सेट्रा, ये जो इररिलेवेंट टॉपिक है वो रिमूव कर दिए गए हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड की प्रिपरेशन, रिएक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड यूजेज, ये भी अब डिलीट कर दिया गया है। एस ब्लॉक में जो कंपाउंड्स की प्रिपरेशन थी लाइक सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट सोडियम और पोटेशियम आयंस के थे, वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, वो भी हटा दी गई हैं। इसी तरह से जैसे सोडियम और पोटेशियम के बायोलॉजिकल फंक्शन रिमूव कर दिए, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम और कैल्शियम को भी हटा दिया गया है। पी ब्लॉक में से बोरेक्स, बोरिक एसिड, बोरोन, हाइड्राइड्स, एल्यूमिनियम, रिएक्शंस विद एसिड्स एंड बेसिस यूजेस, ये जो बोरोन फैमिली थी उसमें से रिमूव कर दिया गया है। कार्बन फैमिली में से जो कार्बन के सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स थे, ऑक्साइड्स थे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड्स ऑफ सिलिकन थे, उनके यूजेस और एप्लीकेशन थी, सिलिकन टेट्राक्लोराइड था, सिलिकॉन्स थे, सिलिकेट्स थे, जियोलाइट्स थे, और उनके जो एप्लीकेशन थे वो रिमूव कर दी गई हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर था बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर बेस्ड था, उसमें जो प्योरिफिकेशन के जो मेथड्स थे वो भी हटा दिए गए हैं। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी डिलीट कर दिया गया है। प्योरिफिकेशन के मेथड्स में आपने पढ़ा था, जो लास्ट इयर्स तक हम पढ़ाते रहे थे वो क्या था, दैट वाज डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन एटसेट्रा। ओके, हाइड्रोकार्बन में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रो हेलोजिनेशन एंड कंबशन एंड पायरोलिसिस बहुत थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है, हालांकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें से ये दो टॉपिक ही सिर्फ रिमूव किए गए हैं। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री पूरे का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। और जहां तक प्रैक्टिकल पोर्शन की बात की जाए तो प्रैक्टिकल पोर्शन में से जो पीएच बेस्ड न्यूमेरिकल्स थे वो निकाल दिए गए हैं, और उनमें से जो पीएच के जो डिटर्मिनेशन थी फ्रूट जूसेस, सॉल्यूशंस ऑफ नोन अननोन एंड वेरियस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स यूजिंग पीएच एंड इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, और कंपेरिजन ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स, स्टडी ऑफ पीएच ऑफ टाइट्रेशन स्ट्रॉन्ग बेस यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, इनमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट अब करना है। केमिकल इक्विलिब्रियम का एक्सपेरिमेंट है वो भी सिर्फ एक परफॉर्म करेंगे, एंड द स्टूडेंट्स एंड द स्टडी ऑफ द शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन जो हाइड्रोलिसिस थी एक्वा कोबाल्ट आयंस की और क्लोराइड आयन की, वो भी यहाँ से उसके और जो शिफ्ट थी इक्विलिब्रियम, इन दोनों में से कोई एक एक्सपेरिमेंट अब करना है। जहां तक क्लास प्लस टू की बात की जाए उसमें सॉलिड स्टेट्स में इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ मेटल जिसमें कंडक्टर्स, सेमी कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफाइन की जाती थी, एंड टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर रिमूव कर दी। सॉल्यूशन चैप्टर में से नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लेड एक्युमुलेटर, फ्यूल सेल्स, कोरोजन एंड लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, इनका सिर्फ हमें एलिमेंट्री आइडिया लेना है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का। जहां तक ड्राई सेल की बात है वो भी उसमें ड्राई सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल और गैल्वेनिक सेल, ये भी रिमूव कर दिए गए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में से कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट वो हटा दिया गया है, उसमें से जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो आपको नहीं करना है, वी हैव टू जस्ट गो फॉर एलिमेंट्री आइडिया। एक्टिवेशन एनर्जी और आरहेनियस इक्वेशन ये भी रिमूव कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं, हालांकि मुझे लगता है कि ये टॉपिक रख लेने चाहिए थे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सर्फेस केमिस्ट्री की अगर बात की जाए उसमें इमल्शंस, उनकी टाइप्स, कैटालिसिस, होमोजेनस, हेट्रोजेनस और कुछ जो प्रॉपर्टीज होती हैं कैटालिसिस की, जैसे एक्टिविटी, सिलेक्टिविटी एटसेट्रा, और एंजाइम कैटालिसिस, ये भी रिमूव कर दिया गया है।
जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो यूनिट 6 थी वो सारी की सारी यूनिट को रिमूव कर दिया गया है, अब नए क्यूरिकुलम है। पी ब्लॉक की अगर बात की जाए तो उसमें जो फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन थी, मैन्युफैक्चरिंग था, जो काफी एक्सपेरिमेंटल टाइप या कुछ इंडस्ट्री बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे वो रिएक्शन थी, वो सारे का सारा टॉपिक अब रिमूव कर दिया गया है। फॉस्फोरस के एनोट्रॉप्स जो थे रेड, व्हाइट, ब्लैक, वो सारे रिमूव कर दिए गए हैं। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस, उनकी प्रॉपर्टीज जैसे हैलाइड्स और ऑक्साइड्स, इनका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है। अब डी एंड एफ ब्लॉक में से केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लेंथेनॉइड्स, एक्टेनॉइड्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मीन्स जो मेन टारगेट किया गया है वो लेंथेनॉइड्स और एक्टेनॉइड्स को किया गया है, उनको यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और जो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज थी केमेनोफोर और पोटेशियम डाइक्रोमेट की, ये भी रिमूव कर दी गई है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट क्यूरिकुलम इन दिस सेशन। क्वार्डिनेशन कंपाउंड में से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियोआइसोमरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ क्वार्डिनेशन कंपाउंड, जैसे क्वालिटेटिव आइडिया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो रिमूव हो चुका है। हेलोरकेन्स और हेलोरेन्स की अगर बात करें तो उसमें जो एनवायरमेंटल इफेक्ट थे डाइक्लोरोमीथेन के, ट्राइक्लोरोमीथेन के, टेट्राक्लोरोमीथेन के, आइडोफॉर्म, फ्रियॉन्स, डीडीटी, ये हटा दिए हैं। ये बहुत थोड़ा सा मटेरियल है जो यहाँ से हटाया है, अच्छा किया, क्योंकि जो मेन केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है वो अभी भी इंटैक्ट है इस चैप्टर में। अल्कोहल, फिनोल, ईथर्स में से जो चैप्टर था हमारा ऑर्गेनिक का, जो सेकंड चैप्टर जिसको हम कंसिडर करते थे, 11th चैप्टर जो था, उसमें मीथेनॉल और इथेनॉल को जो उसके यूजेस थे वो रिमूव कर दिए गए हैं। एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में से कोई भी टॉपिक रिमूव नहीं किया गया है। दिस इज वेरी गुड बिकॉज दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे नेम रिएक्शन जो बहुत काम के हैं। एमीन्स वाले चैप्टर में से डाइजोनियम सॉल्ट्स, उनकी प्रिपरेशंस, केमिकल रिएक्शन, इंपॉर्टेंस, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये रिमूव कर दिया गया है। बायोमॉलिक्यूल्स में से ऑलिगोसैकेराइड्स जो थे, जिसमें सैक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनके स्ट्रक्चर्स पढ़ते थे, पॉलीसैकेराइड्स में स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इनका स्ट्रक्चरल कंपैरिजन आता था, वो भी अब पार्ट नहीं है सिलेबस का। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 5-6 इनके मेन एप्लीकेशन थी वो रिमूव कर दी गई हैं। विटामिन्स की क्लासिफिकेशन और फंक्शंस ये भी हटा दिए गए हैं। एंजाइम्स दे आर आल्सो रिलेटेड नाउ। हार्मोन्स का सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया है जो है वो रखना है, उनके स्ट्रक्चर्स को एक्सक्लूड कर दिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, प्लस टू में से टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिनको कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से हैं? पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड जनरल प्रिंसिपल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, ये कर दिए हैं। जहां तक प्रैक्टिकल क्यूरिकुलम की बात की जाए, उसमें से सरफेस केमिस्ट्री को, जो सरफेस केमिस्ट्री के बेस्ड जो क्रोमेटोग्राफी के एक्सपेरिमेंट थे वो निकाल दिए गए हैं। प्रिपरेशन ऑफ वन लायोफोबिक एंड वन लायोफिलिक कोलाइड्स, वो भी रिमूव कर दिया गया है। डायलिसिस ऑफ जो सॉल्ट प्रिपेयर्ड थे उनका भी रिमूवल कर दिया गया है। केमिकल कैनेटिक्स में से जो पार्ट थे, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, सोडियम थाई सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच की रिएक्शन का, वो भी हटा दिया गया है। स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ एनी वन ऑफ द, इनमें से सिर्फ दो आपने करने हैं, दो में से कोई एक करना है, रिएक्शन ऑफ हाइड्राइड विद हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड सोडियम सल्फाइड, इनका इंडिकेटर स्टार्च यूज करके जो रिएक्शन होती थी, इन दो टॉपिक में से सिर्फ एक टॉपिक आपको करना है। जहां तक बात की जाती है थर्मोकेमिस्ट्री की, उसमें से कोई एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है। एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम नाइट्रेट में से, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से, एंड डिटरमिनेशन ऑफ एंथैल्पी चेंजेस ड्यूरिंग इंटरेक्शन। तो ये 3 सेट में से सिर्फ एक सेट आपको, एक एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से जो वेरिएशन थी सेल पोटेंशियल्स के, जिंक और कॉपर सेल की विद कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वो भी रिमूव कर दिया गया है। जहां तक ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन की बात करें, तो एसिटैनिलाइड, डाइबेंजाल एसीटोन एंड पैरा नाइट्रो एसिटैनिलाइड, वो अब डिलीटेड है। येलो एनिलीन येलो और 2 नेफ्थॉल एनिलीन डाई, ये भी रिमूव अब कर दी गई है। सो दिस इज अ डिलीटेड सिलेबस। सो लगता है कि सीबीएसई को ये पता है कि सिलेबस नहीं हो पाएगा इस बार बिकॉज ऑफ द सिचुएशन जो चल रही है कोरोना की वजह से। सो दिस इज वेरी गुड डिसीजन, और हम सबको अब जितना भी सिलेबस बचा है प्लीज उस सारे सिलेबस को अच्छे से तैयार करना है। आई होप आप सारे ही ये जो रिड्यूस्ड सिलेबस को बहुत प्रॉपरली स्टडी करोगे और बहुत अच्छे स्कोर्स आप गेन करोगे, और आपके लिए क्योंकि क्यूरिकुलम अब कम हो चुका है तो आपके लिए बहुत ईजी है और बहुत अब कंफर्टेबल आपके लिए हो जाएगा कि आप अच्छा स्कोर ले सको। ठीक है, ओके, थैंक यू।